ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। शेर पढ़कर मोदी सरकार पर कसा तंज, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बंगाल के न्यू टाउन इलाके में लगे बीजेपी कार्यकर्ताओं का सिर कलम करने की धमकी वाले पोस्टर, बढ़ा तनाव। नमनम से पुलिस ने दो बीजेपी समर्थकों को दबोचा, टीएमसी नेता निर्मल कुंडू की हत्या की साजिश का आरोप। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, बीजेपी ने मारपीट का आरोप लगाया। जमशेदपुर में भी ममता बनर्जी का जय श्री राम लिखे पोस्टकार्ड भेजने का अभियान शुरू, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भेजे कई कार्ड। इफ्तार पार्टी पर गिरिराज के बयान पर नीतीश का जवाबी वार, दूसरे धर्म का निरादर करना अधर्म। रोजगार और निवेश पर सरकार की नजर, पीएम की अगुवाई में बनाई गई कमेटी, असंगठित क्षेत्र का भी आर्थिक सर्वे की तैयारी। हर घर बिजली के बाद अगले 5 साल के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा प्लान, जल शक्ति मंत्रालय करेगा घर घर पानी पहुंचाने का इंतजाम। शाह की कुर्सी संभालते ही फुल एक्शन में गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक में ताबड़तोड़ मीटिंग, ईद के दिन भी नक्सलवाद के खिलाफ प्लान। गठबंधन टूटने पर अखिलेश का बयान, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी प्रयोग नाकाम होने पर भी मिलती है सीख। मायावती पर अखिलेश का बयान, हमारे मन में उनके लिए सम्मान, रास्ते अलग हो सकते हैं पर सम्मान बना रहेगा। एसपी बीएसपी गठबंधन से अलग हो सकती है आरएलडी, नेताओं के साथ बैठक के बाद जयंत चौधरी लेंगे फैसला, खबर की पुष्टि नहीं। गोडसे वाले बयान पर साध्वी ने पार्टी को भेजी सफाई, लिखा अब अनुशासन में रहूंगी, रहना भी चाहिए। वसुंधरा राजे का सीएम अशोक गहलोत पर निशाना, कहा कुशासन से त्रस्त जनता सरकार को ढूंढ रही है, सीएम दे इस्तीफा। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी तेज, डेवरी सीएम के समर्थक विधायक ने सचिन पायलट को सीएम बनाने की रखी मांग। रेप और हत्या के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से मिले जाकर जेल में साक्षी महाराज, बोले शुक्रिया कहने गया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे फिर जाएंगे अयोध्या, चुनावी जीत के बाद सभी 18 सांसद रामलला का करेंगे दर्शन। ईद पर अमन शांति की दुआओं के बीच घाटी को अशांत करने की कोशिश, सड़क पर उतरे पत्थरबाज। अनंतनाग में भी हिंसा, सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजों का दिया मुंहतोड़ जवाब, दागे आंसू गैस के गोले। जम्मू कश्मीर में साल के अंत तक चुनाव संभव, अमरनाथ यात्रा के बाद चुनाव कराने पर विचार। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की खबरों को गृह मंत्रालय ने किया खारिज, ना कोई प्रस्ताव और ही बैठक में ना हुई चर्चा। जुल्फिकार हसन की जगह राजेश कुमार आईजी ऑपरेशन सीआरपीएफ के पद पर तैनात, लोकसभा चुनाव तक बढ़ा था जुल्फिकार हसन का कार्यकाल। वायुसेना के लापता विमान AN-32 का अब तक नहीं मिला है कोई सुराग, विमान में 8 क्रू मेंबर्स, 5 यात्री सवार। AN-32 को लेकर रक्षा मंत्री और सरकार पर कांग्रेस से साधा निशाना, कहा अंडमान विमान हादसे से क्यों नहीं ली सी। बुलंदशहर के बीजेपी सांसद भोला सिंह ने सड़क पर नमाज पढ़ने का पर जताया एतराज, कहा त्योहार से दूसरों को ना करें परेशान। तेलंगाना के पुलिसकर्मी के ईद मुबारक कहने पर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने उठाए सवाल, दिया सांप्रदायिक रंग। चुनावी नतीजों के बाद रामपुर पहुंची जयाप्रदा का आजम खान पर तंज, कहा हमेशा सुर्खियों में रहने की आदत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन की दरियादिली, कैंसर पीड़ित की मदद के लिए दी 20 लाख की आर्थिक मदद। गोरखपुर में मनाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन, हस्ताक्षर अभियान चलाकर भेजा गिफ्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का शामली दौरा, 4 दिनों तक शहर में रहने का कार्यक्रम, संघ के पदाधिकारियों ने भी डाला डेरा। योगी मंत्रिमंडल से बर्खास्त मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मांग, मंत्रिमंडल में 54% हिस्सेदारी पिछड़ों की। लखीमपुर खीरी में आइसक्रीम खाने के बाद 30 बच्चे बीमार, डॉक्टर्स के मुताबिक फूड प्वाइजनिंग के हुए शिकार। मुरादाबाद में सुनसान इलाके में 25 मवेशियों का शव बरामद, जिला प्रशासन में हड़कंप।
प्रयागराज जेल में अपराधियों की शराब पार्टी की तस्वीर वायरल, जेल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। हाथरस में दो गुटों के बीच मारपीट और पथराव, 10 घायल, तनाव के बाद पुलिस तैनात। ग्रेटर नोएडा में गांजे के अवैध कारोबार का विरोध करने पर युवक की हत्या की कोशिश, चाकुओं से गोदा। मोतिहारी में आग का तांडव, आधा दर्जन घरों में आग, इलाके में मची अफरा तफरी। पटना में अपने ही इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगाने वाला मालिक गिरफ्तार, बीवी ने रची साजिश। नालंदा में नई दुल्हन की ससुराल वालों ने की हत्या, वारदात के बाद फरार। सहरसा में बीए के छात्र की गोली मारकर हत्या, हत्यारों का सुराग नहीं। आरा में बालू लदे ट्रक से कुचलकर महिला की मौत, नाराज लोगों ने सड़क किया जाम, ट्रक में तोड़फोड़। बेगूसराय में दो पक्षों में मारपीट, जमीन विवाद को लेकर लाठी डंडों से हमला। बिहार के कैमूर में कपड़े की सिलाई को लेकर दुकानदार से अनबन, बदमाशों का हमला, चार जख्मी। झाबुआ में कांग्रेस एमएलए और पुलिस अधिकारियों में कहासुनी, बाइक सवार को चालान काटने से नाराज थे विधायक। इंदौर में बिजली कटौती पर फूटा लोगों का गुस्सा, मुख्यमंत्री कमलनाथ का फूका पुतला। खरगोन में बस ने बाइक को मारी टक्कर, एक बाइक सवार समेत दो की मौत। नर्मदा में अवैध खनन रोकने के लिए नर्मदा युवा सेना तैयार, करेंगे कंप्यूटर बाबा, न्यास के अध्यक्ष बनते ही नर्मदा की पूजा। बैतूल के बांचा गांव में बना नया रिकॉर्ड, सभी 74 घरों में सौर्य चूल्हे से बनाया जाता है खाना। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में यज्ञशाला जलकर खाक, लाखों का नुकसान, जांच के आदेश। पठानकोट में नशीले कैप्सूल के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली से हो रही थी तस्करी। अमृतसर में स्नैचिंग करने वाले गिरोह पर पुलिस ने दबोचा, लूट की कई घटनाओं में थी तलाश। गन्ना किसानों ने पंजाब सरकार पर लगाया बेरुखी का आरोप, खेत में खड़ी फसल बर्बाद करने को खुद मजबूर। करनाल में प्रतिबंधित धान लगाने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई, कृषि विभाग का छापा। फरीदाबाद में छात्रा से रेप, अश्लील फोटो दिखाकर कर रहा था ब्लैकमेल, आरोपी फरार। दिल्ली से गुवाहाटी जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट ने 20 यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़ा, ओवर बुकिंग की वजह से पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास देने से इनकार। दिल्ली कैंट इलाके में पुलिस हिरासत में, युवक की मौत, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। दिल्ली के विवेक विहार में दुकान में लूटपाट की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिले होटल और गेस्ट हाउस कारोबारी, सरकार से रियायत की मांग। दिल्ली सरकार की तीर्थ योजना इसी महीने होगी शुरू, पहला जत्था अमृतसर के लिए होगा रवाना। राजस्थान के सीकर में जाति बदलकर शादी करने के आरोप में शख्स गिरफ्तार, सीकर पुलिस ने मुंबई से दबोचा। भरतपुर में महिला को जलाकर मारने के मामले में मंत्री के दखल के बाद कार्रवाई, पति गिरफ्तार। अलवर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली को महिलाओं के गुस्से का करना पड़ा सामना, पानी को लेकर मंत्री का विरोध। बूंदी में बेखौफ बदमाश, सरेआम बाप बेटे से लूट, 10 लाख कैश और 2 किलो चांदी ले उड़े बदमाश। बाड़मेर में पानी निकालने के दौरान हादसा, पत्नी को बचाने में पति की भी मौत। मुंबई में शालीमार एक्सप्रेस में मिला संदिग्ध सामान, तलाशी और जांच पड़ताल के बाद पटाखे के रूप में हुई पुष्टि। बरसात से पहले मुंबई में बीएमसी का बड़ा फैसला, खतरे की वजह से 21 से ज्यादा ओवरब्रिज पर लगी रोक। सूरत में ट्रेन में मिमिक्री कर खिलौने बेचने वाले अवधेश दुबे को पुलिस ने छोड़ा, अवैध रूप से खिलौना बेचने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। अहमदाबाद में सरकारी अस्पताल नर्स की बड़ी लापरवाही, बच्ची की पट्टी काटने की जगह काटी उंगली। गुजरात के मोरबी में रेप के बाद महिला की हत्या, आरोपी ने शव को जलाया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के आदिवासी बहुल ग्रामीण इलाके में पानी का संकट, प्रशासन पर लापरवाही का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। टिहरी में तेंदुए के हमले से एक शख्स गंभीर रूप से घायल, वन विभाग की टीम मौके पर तैनात। असम के शिव सागर में ग्रामीणों ने तेंदुए को लाठी डंडों से पीटकर मारा, वन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया FIR। असम के करबी में जाली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा, 2000 और 500 के नकली नोट बरामद। मंडी में कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर, बाइक सवार युवक बाल बाल बचा।
पिथौरागढ़ में लापता विदेशी पर्यटकों की तलाश तेज, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लगातार खोजबीन जारी। ऋषिकेश में गंगा को तैरकर पार करने की शर्त पड़ी महंगी, बीच नदी में डूबा रेस्लर, खोज जारी। विश्व पर्यावरण दिवस पर ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, साइक्लोन प्रभावित इलाकों में लगाए जाएंगे 80 लाख पेड़। भोपाल में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, शहर के ग्रीन कवरेज में 26% की आई कमी, जी सीड की रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी शिमला में भी गर्मी की मार, तापमान फिर पहुंचा 29 डिग्री के पार। देश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी, चुरू का अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री किया गया दर्ज। सवाई माधोपुर में गर्मी का टॉर्चर, दोपहर के वक्त घरों से निकलना हुआ मुश्किल। दिल्ली NCR में आज देर रात मिल सकती है गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। 8 जून को केरल के तट पर पहुंच सकता है मॉनसून, 11 तक दक्षिणी आंध्र प्रदेश और 13 तक तेलंगाना के हिस्से में हो सकती है बारिश। मदुरई में बारिश के लिए अनूठे जुलूस का आयोजन, घोड़े के पुतले बनाकर पूजा अर्चना। विश्व पर्यावरण दिवस पर जैसलमेर के DM की अनोखी पहल, जिले में शुरू किया गया एक परिंदा एक पेड़ की अपील। अहमदाबाद में साबरमती शुद्धिकरण अभियान का आगाज, नदी में गिरने वाले दूषित पानी को किया गया बंद। गुजरात के नर्मदा में वन विभाग ने 10,000 से ज्यादा पौधे टूरिस्टों को बांटे, पर्यावरण दिवस पर चलाई गई मुहिम। सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर ने दामोदर नदी के किनारे अपनी कला के जरिए दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। रामेश्वरम में मानव श्रृंखला बनाकर मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश के रायसेन में ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग, तेंदू पत्ते से भरी बोरियां खाक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में महिला की गोली मारकर हत्या, फायरिंग में एक युवक जख्मी। फरीदाबाद के पौश इलाके में पुलिस का छापा, एक घर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में कई हिस्से में प्रचंड गर्मी से गहराया पेयजल संकट, ग्रामीण इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित। उत्तराखंड के विकासनगर में वॉरियर्स गर्ल्स ग्रुप ने जरूरतमंदों तक पहुंचाई ईद के तोहफे, नए कपड़े, नई चप्पलें, सेवैयां, कुछ जरूरत का सामान बांटी। देशभर में ईद का जश्न, दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज अता करने के बाद गले मिलकर बांटी गई खुशियां। पीएम मोदी, अमित शाह, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी ईद की मुबारकबाद। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका ने भी लोगों को दी ईद की शुभकामनाएं, आधिकारिक ट्विटर हैंडल से संदेश। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के घर ईद पर पहुंचे मंत्रिमंडल के सदस्य, ईद की दी बधाई। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी दिखा ईद का जश्न, BSF जवानों और पाक रेंजर्स ने एक दूसरे को बांटी मिठाइयां। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।